आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन कोरमा। इसके लिए यहाँ मैंने 1 kg चिकन लिया है, जिसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। अब मैं इसमें 1 चम्मच जीरा पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये ज़्यादा तीखा नहीं होता है, 1/2 चम्मच गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 छोटा बॉल फेटा हुआ दही डालेंगे और इसे डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं इसमें 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और इसे भी डाल के अच्छी तरह से मिला लेना है। इन मसालों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसे 10 से 15 मिनट ढक के रख दीजिएगा। अब मैं यहाँ 3 मीडियम साइज का प्याज ली हूँ, जिसे मैंने बारीक काट लिया था। अब मैं एक कढ़ाई ले रही हूँ, जिसमें मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें बारीक कटा हुआ प्याज को डाल देना है और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। प्याज को फ्राई करने में गैस का फ्लेम मीडियम में रखिएगा। प्याज फ्राई होने में कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। इसे बीच बीच में चलाते हुए इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिएगा। ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है, तो अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ। प्याज को निकाल के किसी बर्तन में ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिएगा। इसके बाद इसे दरदरा पीस लीजिएगा। अब मैं यहाँ 2 चम्मच मगज ली हूँ। यहाँ आप लोग 8 से 10 काजू का भी यूज़ कर सकते हो। इस मगज का मैं यहाँ पेस्ट बना ली हूँ। अब एक कढ़ाई लेंगे और इसमें 2 तेज पत्ता, 2 छोटी इलायची, 4 लौंग और 4 दालचीनी डालेंगे। इसके बाद इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन को डाल देंगे। चिकन को डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा, नहीं तो चिकन नीचे से जल सकता है। इस टाइम गैस का फ्लेम मीडियम में रखिएगा और चिकन को अच्छी तरह से भून लीजिएगा। चिकन का पानी जल्दी निकले इसलिए इसे ढक के पका लीजिएगा। इस टाइम गैस का फ्लेम हाई पे कर लीजिएगा। ये देखिए चिकन का पानी निकल चुका है और इसका पानी कम भी हो चुका है। अब मैं इसमें पीसा हुआ फ्राइड प्याज को डाल दूंगी और इसे अच्छी तरह से भून लूंगी। चिकन को अच्छी तरह से भून लेना है। ये देखिए चिकन अच्छी तरह से भून चुका है, तो अब मैं इसमें मगज का पेस्ट को डाल दूंगी। फिर इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ और इस चिकन को फिर से अच्छी तरह से भून लूंगी। ये देखिए चिकन अच्छी तरह से भुन चुका है, क्योंकि इसका ऑयल इससे अलग हो चुका है। अब मैं इसमें फिर से पानी डाल दे रही हूँ। आप लोगों को जितना ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से इसमें पानी डाल दीजिएगा। अब मैं इसमें 3 हरी मिर्च डाल रही हूँ और इसे डाल के फिर से 5 से 10 मिनट के लिए पका ले रही हूँ। ये देखिए चिकन का ग्रेवी बनके रेडी है। सबसे लास्ट में इसमें 1/4 चम्मच कसूरी मेथी और 1/2 छोटी चम्मच केवड़ा वाटर डालेंगे और इसे डाल के फिर से 5 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे। इस तरह से हमारा चिकन कोरमा बनके रेडी है। अब मैं इसमें फ्रेश धनिया पत्ता डाल के इसे सर्व करूंगी। थैंक यू।